गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय प्रह्लाद जय नरसिंह दे प्रह्लाद जय नरसिंह दे, जय गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, श्री
Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. హరినామ సంకీర్తన కి శీల ప్రభుపాద్ కి జయ విష్ణుపాద అష్టత శత శిషిమాద భాయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శీల ప్రభుపాద్ కి ఇస్కాన్ బ్యూటీ ఫౌండర్ చే జగద్గురు శీల ప్రభుపాద్ కి జయ విష్ణుపాద అష్టత శత శిషిమాద భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ శీల ప్రభుపాద్ కి అనంతగడి వైష్ణవ బృందకి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి ప్రేమ సిఖ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాషది గౌర భక్తవిందకి శిశి రాధాకృష్ణ గోపగోపీనాథ్ సాంకున్న రధాకుండ గిరిగవర్ధానికి భజభీష బృందావన్ ధామ్కి మథురధామ్కి ద్వారకపురి ధామ్కి శ్రీమద్భాగవతంకి శిల ప్రభుపాద్కి సమేత గౌర భక్తవిందకి నితాయి గౌర పివనంది హరి All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru Gauranga and all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam. Narancaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udidaye Nashta Prayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtake ముఖం కరతి వాచాలం పంగుర్లంగయతి గిరిజత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురు దినతారిణే పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యైశ్వరం. తో ఆజ్ హమ్ శ్రీమద్ భాగవతం కే పంచమ స్కంద్ కే సాతవా అధ్యాయ కే శ్లోక క్రమాంక 13 పాఠ కర్కే శ్రవణ కరేంగే. పరరజ ఏ గద్ద రూపమే హై తో హమ్ ఇస్కో ఐసీ పఢ్ కే ఉస్కో వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ కరెంగే. ఇత్తం ధృత భాగవత్ వ్రత ఏను జాజి నో వాససా నుసవనా అభిషేక ద్రక్ కరద్ర ట్ర కపి పిశకుటిల జటా కలాపేన చ విరోచమాన సూర్యచ భగవంతం హిరణ్మయం పురుషం ఉజ్జిహానే సూర్యమండలే భూ ఉపతిష్టన్నె తదుహో వాచ. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ఇత్తం ఇస్ ప్రకార్
धृत भागवत व्रतम। भगवान की सेवा का व्रत स्वीकार करके एनय वजित बापसं मृगचर्म वस्त्र धारण किए अनुसवन प्रतिदिन तीन बार अभिषेक स्नान द्वारा अट्र गीला कपीस भूरा कोटिल जटा घुघराले केश की जटा कलापेन समूह से च तथा विरोचमान अत्यंत सुंदर ढंग से जगाई गई। सूर्य में स्थित भगवान नारायण के अंश विस्तार को वैदिक ऋचाओं द्वारा पूजा भगवंतम भगवान को हिरणमयम स्वर्ण कांति वाले भगवान पुरुषम भगवान उच्चिहाने उदय होने वाले सूर्यमंडल में अभ्यु प्रतिष्ठान पूजा करते हुए एतत इह उह निश्चय ही उवाच कहा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे, उनके शरीर पर घुघराले बालों की राशि थी जो दिन में तीन बार स्नान करने से गीली थी। ये मृगचर्म धारण करते और शरणम तेजोमय शरीर तथा सूर्य के भीतर वास करने वाले श्री नारायण की पूजा करते। ये ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। कृपा करके पीछे दौड़ाइए। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे, उनके सीसा पर घुघराले बालों की राशि थी जो दिन में तीन बार स्नान करने से गीली थी। ये मृगचर्म धारण करते और स्वर्णम तेजमय शरीर तथा सूर्य के भीतर वास करने वाले श्री नारायण की पूजा करते। ये ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। तात्पर्य, सूर्य में प्रमुख देवता हिरणमय यानी भगवान नारायण है, उनकी आराधना गायत्री मंत्र से की जाती है जो इस प्रकार है। ओम भूर भुवस्तत् सवितुर वरणम भर्गो देवस्य धीमहि। उनकी अर्चना ऋग्वेद में ही दी गई अन्य ऋचाओं से भी की जाती है, यथा देय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती
सूर्य के भीतर नारायण का वास है और उनके रंग सुन हो रहा है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य समाप्त है। भूमज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स पदांतिकं। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम इस अध्याय में राजा भरत के कार्यकलाप के यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऋषभदेव के बाद उनके पुत्र भरत महाराज ने इस प्रकार राजा बने और राजा बनने के बाद इन्होंने पिता के आज्ञा पालन करते हुए सिंहासन पर बैठने का निर्णय पहले ही ले रखा था और ये तदनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। समस्त संसार पर राज्य करते हुए ये अपने पिता को आदेश को पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या को पंचजनी के विवाह कर लिए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भरत महाराज ने राज्यपालन आपके पिता के जो आज्ञा के पालन करते हुए इन्होंने राज्यपालन किया। इस प्रकार से ये जो राज्य तभी अच्छे से पालन होते हैं जब वो भगवान के नियम पालन करते हैं। क्यों ना ऋषभदेव
जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने उनके सपुत्र को जो आज्ञा दिया है, वो किस प्रकार से ये भगवान के जो आईन है उस आईन के हिसाब से ही उन्होंने इसको सपुत्र को निर्देश दिया है और उसी हिसाब से उन्होंने राजत्व किया। इसलिए हम देखते हैं कि जब इन्होंने इस भूमि पर राज्य कर रहे थे और इस प्रकार से इतना अच्छे प्रकार से राज्य करने लगे और प्रजा के प्रति उन्होंने क्या था, भक्त वत्सल थे, और आपने कर्तव्य में व्यस्त रखते हुए इस पृथ्वी पर शासन किया। तो यहां तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे कि यह अत्यंत आवश्यक है कि मुख्य कार्यकारी प्रजा को अपने अपने कार्य में निरत रखकर शासन करें। तो ये राजा के सबसे बड़े कर्तव्य हैं। राजा यदि प्रजा के ऊपर उनके जो मुख्य कार्यकारी जो होता है उस हिसाब से यदि उन्होंने आदेश ना करे तो उस राज्य को पालन करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए हम यहां देखते हैं भरत महाराज ये उनके पिता के दिए हुए आज्ञा को पालन करते हुए जब आवश्यक के जो कर्तव्य है उसको ही उन्होंने उनके प्रजा के ऊपर वो पालन किया है और इसके कारण उस जो भरत महाराज के राज्य में लोग इतना सुख और शांति में था, जो हम देखते हैं अभी भी लोग राम राज्य के बारे में कहते हैं। क्यों ना इस प्रकार से राम राज्य में भी भगवान रामचंद्र ने जब राजत्व किया तब इतना सुंदर रूप से राजत्व किया कि लोग सभी अपने अपने कर्तव्य कर्म में व्यस्त रहते थे और पूजन पाठ में और भगवान के स्मरण करते हुए उन्होंने उस राज्य में रहते थे। जैसे हम देखते हैं एक बार श्री रामचंद्र भगवान ने उसमें एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण हर दिन भगवान के पूजन पाठ ना करते हुए कुछ खाते भी नहीं थे। तो ये जो वैदिक युग के नियम है ये इतना सुंदर थे कि जब तक कोई व्यक्ति नींद से उठकर जब तक स्नान ना करके भगवान के दर्शन करते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अभी भी ऐसे कलकत्ता में बहुत सारी ऐसे संभ्रांत परिवार है जो लोग इस नियम को अभी भी पालन करते रहते हैं। वो सवेरे उठ के क्या करते हैं, पहले बाथरूम जाके स्नान करके फिर वो भगवान को दर्शन करते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं। लेकिन वर्तमान के जो सभ्यता है ये कैसे होता है ना, पहले बिस्तर में चाय चाहिए, चाय जब तक नहीं जाएंगे तब तक बिस्तर से उठेगा नहीं। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस जो वैदिक नीति को ये आस्ते आस्ते नीचे गिर रहे हैं। इसलिए हमारे कर्तव्य है इस संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को इसको कैसे हम अच्छा से उसको अटूट रखें। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इस जो कृष्ण भावनामृत संस्था स्थापन किया, जब कोई इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं तभी उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं, नहीं तो ऐसे परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन है। विशेषकर वर्तमान जो समाज व्यवस्था इतना नीचे गिरे हुए रहे
कि इससे बांच पाना केवल एक ही मात्र संभव कृष्ण भावनामृत के द्वारा। इसीलिए जब हम इसको इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करेंगे तभी हम इस वैदिक संस्कृति को हमारे जीवन में आस्ते आस्ते उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस श्लोक में कह रहे हैं कि भरत महाराज क्या करते थे, दिन में 3 बार स्नान करते थे। जो श्रील प्रभुपाद जी हमको ये सेम नियम दिया है कि जो सन्यासी होता है कम से कम उनको 3 बार स्नान करना चाहिए और ब्रह्मचारी को दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। पुजारी के तो कितना स्नान करना पड़ता है वो तो गिनती नहीं है। इस प्रकार से तो ये जो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कोई ऐसे नया कोई नियम नहीं चालू किया है, हमारे जो वैदिक नियम को उनको ही पुनस्थापन किया है। लोग कहते हैं कि ये जो संस्था है ये सब विदेशी संस्था है, इंग्रेज संस्था है। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी भारत के जो सनातन धर्म के जो नियम है उनको ही उन्होंने पुनर्स्थापना किया और उनको ही पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयास किया। जब हम इनको आस्ते आस्ते धीरे धीरे हमारे जीवन में उसको अनुशीलन करेंगे तब हम हमारे सनातन धर्म को पालन करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं इसको प्रचार प्रसार अत्यंत जरूरत है। क्यों ना लोग आस्ते आस्ते सभी भूल रहे हैं। आजकल सभी लोग क्या करते हैं, बच्चे को साहेब बनाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में डालते हैं और वहाँ जाके सब क्या होता है, हमारी संस्कृति को एकदम पूरा भूलकर सब साहेब बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, संस्कृति को ये हर बच्चे के अंदर में इस ये जो संस्कार है इसको डालना चाहिए। और जब इस प्रकार से संस्कार डालेंगे, विशेष करके वैदिक जो संस्कार होता है 16 संस्कार होता है, इस संस्कार के द्वारा क्या होंगे, बच्चे धीरे 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 कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़कर एक अच्छा नागरिक बन सकता है। क्यों ना जब तक ना हमारे ये जो हमारे जो आचार आचरण जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हम जितना भी प्रयास करें हम अच्छे बन नहीं सकते हैं। हम देखते हैं आजकल बहुत बड़े बड़े पंडित होता है, बहुत बड़े बड़े ये होता है, लेकिन उसके जीवन चरित्र देखे उनके चरित्र अच्छा नहीं है। बड़े बड़े लीडर बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन चरित्र ठीक नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश में कहा है कि मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। तो इसलिए हम देखते हैं कैरेक्टर तब बनते हैं जब हम इस संस्कार को डाले बच्चे के अंदर। और वो कैसे संभव है, वो संभव होता है कि जब वो बच्चे छोटे रहते हैं तब उनको इस प्रकार से जो वैदिक संस्कार है उस संस्कार उसके जीवन में डाले। और जो श्रील प्रभुपाद जी जिसके व्यवस्था किया है, श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए क्या किया, गुरुकुल स्थापना किया। गुरुकुल में जाके बच्चे लोग उसको उस संस्कार को अपनाएंगे। पहले हम देखते थे वैदिक युग में बच्चे को वहाँ गुरुकुल में भेजा जाते थे और बच्चे गुरुकुल में जाके गुरु के लिए ही सब कुछ करते थे। गुरुर हितम, गुरुर हित के लिए वहाँ बच्चे क्या करते थे, गुरु के लिए फूल लेके आते थे, गुरु के लिए लकड़ी लेके आते थे। हम ऐसे देखते हैं भगवान कृष्ण भी जब यहाँ इस संदीपनी आश्रम में जब उन्होंने आए पढ़ाई करने के लिए
तब उन्होंने गुरु माता के आदेश से उन्होंने कहाँ गए, लोकड़ी के लिए गए, नारायणा गांव जो हम अभी देखते हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो स्वयं कृष्ण भगवान हूं, ऐसे नहीं सोचा। तो इसलिए हम देखते हैं जब इस प्रकार से इसको हम अपनाएंगे तो हम हमारे जीवन में क्या करेंगे, बहुत सुंदर रूप से उस आध्यात्मिक मार्ग में आगे आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी हम देखते हैं कि उस गुरुकुल अभी तो संभव नहीं है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अभी जो गुरुकुल बनाए हैं वृंदावन, मायापुर और विदेशों में लॉस एंजेल्स, ऐसे वहाँ भी देखते हैं हम गुरुकुल में व्यवस्था किया श्रील प्रभुपाद जी। और वहाँ बच्चे लोग इस प्रकार से श्लोक भगवान के जो भगवद गीता के श्लोक उच्चारण करते हुए और ये सब सारे पद्धतियाँ नियम पालन करते हुए इस प्रकार से उन्होंने एक अच्छे भक्त के जीवन के रूप में उन्होंने अपने जीवन निर्वाह करते हैं। तो जब इस प्रकार से कोई भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए भगवान भी बहुत सरल होता है, बहुत सुलभ होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जुवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्साहम न पश्यामि समे सच मे न पश्यति। ये भगवद गीता में छठा अध्याय में 30 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न अहम मेरे लिए अदृश्य होता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसे व्यक्ति भले ही प्रकृति के पृथक पृथक अभिव्यक्तिया को देखता प्रतीत है, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण का ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसलिए हम देखते हैं जब भगवान के भक्त लोग विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में, जैसे माधवेंद्र पुरीपाद उन्होंने वृंदावन में जाके भगवान के नाम जप कर रहे हैं। और इसलिए भगवान क्या किया, भगवान उनके लिए खुद अपने हाथों में दूध लेके आए मटके भर के। तो ये हम देखते हैं कि जब भक्त भगवान को हमेशा ही ऐसे ही याद करते हैं तो भगवान भी उनके लिए क्या होता है, कभी अदृश्य नहीं होता है, दृश्य होता है, उनके सामने आ जाते हैं। और कहे कि क्यों आप इस वृंदावन में इस प्रकार से माधुकरी ना करके बा कुछ ना ये करके क्यों आप ऐसे ही भजन कर रहे हो, वृंदावन में तो कोई भूखे नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये दूध पी लीजिए। सेम देखते हैं यही माधवेंद्र पुरी जब भगवान के लिए, भगवान जब आदेश दिया कि हे माधवेंद्र पुरी मेरे पुजारी लोग ये मुसलमान के डर के मारे मुझे पेड़ के नीचे रख के गए हैं, तो मुझे उठा के मेरे पूजन करो। तो देखिए भगवान कैसे भक्त के पास कैसे सुलभ होता है। भगवान भक्त के साथ एक आदान प्रदान करते हैं।
और तो माधवेंद्र पुरी ने सारे ब्रजवासी को बताया और सारे सभी लोग मिलके माधवेंद्र पुरी प्रभुपाद उन गोपाल विग्रह को उस पेड़ के नीचे से उसको उठाया और उनको अभिषेक करने लगे। और ऐसे अभिषेक के बाद सारे भक्त लोग इतना सारी भगवान के लिए प्रसाद लेके आया, हर दिन ऐसे फेस्टिवल होने लगे। तो हम देखते हैं कि जब भगवान के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तब क्या होता है, तो भगवान ही ऐसे ही व्यवस्था कर देते हैं कि उनके कोई अभाव नहीं होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी केवल 40 रुपया लेके विदेश में गए, 40 रुपया में वहां एक ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाएगा। और इस 40 रुपया जब श्रील प्रभुपाद लेके गए, लेकिन उनके अंदर में क्या भावना था कि मैं भगवान की सेवा करें, इसके कारण भगवान उनको इतना दिया। तो एक एक मंदिर ही 40 करोड़ से भी ज्यादा प्रभुपाद जी को दिया और प्रभुपाद जी दोनों हाथ से उसके लेकर भगवान के सेवा में लगाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए चाहते हैं तो भगवान क्या करते हैं, वो उसको प्रदान करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कहा, डोंट वरी अबाउट मनी, मनी विल कम। लेकिन हमारे हृदय में ये भावना होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कुछ करेंगे। तो यहां कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से भगवान के लिए हम कुछ करते हैं तो भगवान और वो भक्तों के बीच में एक अंतरंग संग बन जाते हैं, संबंध हो जाते हैं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन श्री कृष्ण नाम श्री गौर निताय और निश्चल भगवान की जय। और तो वो सेवा कैसे होता है, तब वो कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। तो प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को इस प्रकार से ये सेवा में युक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ये जो हमको मार्ग दिया है कृष्ण भावना मृत मार्ग, ये केवल एक प्रैक्टिस कि कैसे हम भगवान के अच्छा से अच्छा सेवा कर सके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये जो साधन मार्ग दिया, साधन भक्ति के द्वारा हम साधन भक्ति करते हुए हम रागानुगार में स्थित है। और ये केवल माधवेंद्र पुरी प्रभुपाद के जीवन में ही नहीं है, हम देखते हैं भगवान के जो भक्त लोग हैं उनके ऐसे सभी के प्राय जीवन में ऐसे ही हम देखते हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं, लोकनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु उन्होंने आदेश दिया कि जाओ आप वृंदावन में जाओ, आप वृंदावन में जाओ, मैं वृंदावन खूब जल्दी से जल्दी वृंदावन आ रहा हूं, तो लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में चले गए। और कुछ दिन के बाद उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने सन्यास लेके उन्होंने कहां चले गए, जगन्नाथपुरी में चले गए। क्यों, क्यों ना उनके माता ने आदेश दिया कि तुम वृंदावन में रहो तो हम तुम्हारे संगवाद भक्त लोग जब पुरी जाते हैं जगन्नाथपुरी में हर साल जगन्नाथ के रथ के समय तो पता लगेगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार से सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तब उन्होंने भागते भागते जगन्नाथपुरी गए।
और फिर जगन्नाथपुरी में जब गए उन्होंने तब सुना कि श्रीचैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले गए। फिर लौट के भागते भागते वृंदावन जाने के लिए गए तो सुना उन्होंने कि श्रीचैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में चले गए। और जब उन्होंने फिर भागते भागते दक्षिण भारत में गए तब सुना श्रीचैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी में चले गए। जब इस प्रकार से कर रहे तब श्रीचैतन्य महाप्रभु उनके सपनों में आदेश दिया कि तुम ऐसे ना भागते हुए एक ही स्थान वृंदावन में रहो। और जब वृंदावन में रहे तो उनके भगवान के सेवा के लिए इतना तीव्र इच्छा हुआ। जब उन्होंने कौन सा वन था वो वृंदावन में एक वन में एक कुंड के पास गए तो भगवान खुद अपने हाथों से उनके भगवान के विग्रह दिया। और उस विग्रह केवल देखे भगवान शांत नहीं हो गया। भगवान क्या कहा कि हे लोकनाथ मुझे भूख लग रहे हैं मुझे खाना खिलाओ। तो देखिए भगवान के लिए जब हम इस प्रकार से सेवा के तीव्र इच्छा रहता है तो भगवान उनको क्या करते हैं सेवा के लिए आदेश भी देते हैं कि मुझे भूख लग गया मुझे खाना खिलाओ। तो ऐसे जब हमारे अंदर में भी ऐसे भगवान के सेवा के लिए ऐसे तीव्र इच्छा रहेगा तो हम भी ऐसे भगवान को कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए हमको भगवान के सेवा के प्रति ऐसे एक तीव्र इच्छा रखना चाहिए तभी हम भगवान के ऐसे कृपा प्राप्त हो सकते हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि हम राधा मदन मोहन के पास ऐसे अंतर से अंतरकरण से हम भगवान के पास प्रार्थना करें तो भगवान राधा मदन मोहन भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है वो ये हमारे जो हृदय से उस प्रार्थना को करना चाहिए। जब इस प्रकार से हम करेंगे निश्चित रूप से तब भगवान हमारे साथ ऐसे एक संबंध स्थापन करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए जो हमारे आचार्य जैसे मार्ग दिया है आचार्य जैसे उन्होंने जीवन में अपनाया है उसको भी हमको प्रयास करना चाहिए उसको अपनाने के लिए। जब हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भी इस एक योग्य बन सकेंगे। पत्र श्रील प्रभुपाद जी से हम ऐसे ही बहुत कर्जे है कि उन्होंने जो मार्ग दिया है इतना सुंदर और इतने सरल केवल ये मार्ग में जब हम पालन करते रहेंगे हम भी निश्चित रूपे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए उसको शुद्ध रूप से पालन करना चाहिए जिस प्रकार से भरत महाराज ने इस गंडकी नदी के तट पर ऐसे तीन बार दिन में स्नान करते हुए भगवान को नारायण की पूजा करते थे और सारे श्लोक को पाठ करते थे। इस प्रकार से जब हम श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए जो ये वैदिक जो संस्कृति है और ये कृष्ण भावना में उसको ठीक से अपनाएंगे और इस कलयुग के जो युगधर्म हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को जप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भी भगवान के पास लौट के जा सकते हैं। किसी के कोई कुछ प्रश्न कोई मंतव्य? हाँ माइक। हरि बोल हरि बोल। तीन बार प्रयास किया तो गांव के लड़के उठ के एक जप पर लगाए शहर के लड़के को, तो प्रभुपाद ने बताया यस यू हैव डन राइट और एक लगाओ। बोला ये अपने लज्जा को बचाना चाहते यार, तुम इसके लज्जा को उजाड़ करना चाहते। तो ये शिक्षा देखते कि मैंने इस कर्म में भी नहीं है, आप कुछ बताएंगे इसके ऊपर? तो प्रभु जी के प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हम ये जो दिए हुए जो वैदिक संस्कृति के जो नियम हैं हम हमारे जीवन में ठीक से अपना सके, ये मेन प्रश्न का ये है। तो यद्यपि ये कलि युग जितना आगे बढ़ रहे हैं, कलि के प्रभाव से इस सब ये जो समाज में ये माया के प्रभाव ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। शायद हम हो सकते हैं हम 100% इसको संभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम प्रयास करें हैं तो क्या देख सकते हैं हम, जैसे कि बाहर में बच्चे लोग, हम जब स्कूल में जाते हैं जब ऐसे समर वेकेशन में जो ये करते हैं सेमिनार करते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे लोग को हम पूछते हैं कि आप लोग कितने बच्चे लोग पिता माता को प्रणाम करते हैं, तो वो 70-80 बच्चा से केवल 3-4 बच्चे हाथ उठाते हैं। तो हम उसको पूछते हैं भाई क्यों नहीं प्रणाम करते हो, बोलते शर्म लगते हैं। तो ये इससे अच्छा है कि जो इस्कॉन में जो बच्चे लोग गुरुकुल में है वो लोग वो सीखते हैं कैसे जाके भगवान को ऐसे सीट से प्रणाम करना चाहिए और शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए और बाथरूम में टॉयलेट के जाने के बाद बाथरूम जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ये सब सीखते हैं। तो इसीलिए हम उनको वो आदत आस्ते डालते हैं। तो जैसे 100% वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों ना माया इतना जोर से भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे ये जो प्रयास है इसके द्वारा हम देखते हैं कि कम से कम बच्चे लोग 30% उनके जीवन में वो जो वैदिक जो संस्कार है वो थोड़ा डालते हैं। तो इसीलिए इनको यदि हम प्रयास ना करें तो ये 30% भी नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये जो गुरुकुल बनाया है, यद्यपि इनके ये श्रील प्रभुपाद जी के भावना था कि वो वैदिक संस्कार को पूरा अपनाएंगे,
लेकिन माया के प्रभाव इतना बढ़ रहे हैं। माया ठीक जैसे कि वो फ्लाइट में जैसे फ्लाइट होता है ऐसे स्पीड में भाग रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक बैल के गाड़ी की तरह हम जा रहे हैं। तो उनके तो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम तो कुछ तो आगे जा पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के ये जो प्रयास है इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको स्वागत करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समेत गौर भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।